आप देख रहे हैं VMK टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इंडियन आर्मी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को। तो आप इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लाई बोर्ड लेते हैं और इस पर हमने रोड बना लिया है इस तरह से, और फिर हम एक ब्रेड बोर्ड लेते हैं और इसके बैक साइड का पेपर निकाल कर हम इस पर पहले से ही डबल साइडेड टेप रहता है तो हम इस तरह से चिपका देंगे, और फिर हम एक आर्डिनो यूनो बोर्ड लेंगे और इसे ग्लू गन की मदद से ग्लू से चिपका देंगे इसी प्लाई बोर्ड में। और फिर इसके बाद हम एक कार्ड RFID कार्ड रीडर लेंगे और इसमें 2 टैग निकलेंगे, और ये हमारा RFID कार्ड रीडर होता है ये, और इसमें कुछ हेडर पिंस निकलेंगी और इन्हें हम बैक साइड में इस तरह से सोल्डरिंग करेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो हम इस तरह से सोल्डरिंग कर देंगे, तो हमने ये बिल्कुल सोल्डरिंग कर दिया है, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। और फिर हम इस तरह से इसे ब्रेड बोर्ड में फिक्स कर देंगे और फिर इस सर्किट के जैसे ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम 2 जम्पर वायर लेंगे और आर्डिनो की 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट करके हम ब्रेड बोर्ड में एक सीरीज बना लेते हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड की। और फिर इस तरह से हम 7 जम्पर वायर लेंगे और हम RFID कार्ड रीडर में इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले 3 जम्पर वायर को लेफ्ट साइड इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और फिर हम एक पिन को छोड़कर फिर इस तरफ से हम 4 जम्पर वायर को कनेक्ट कर देंगे और बीच में एक पिन का गैप रहना चाहिए, आपको सर्किट डायग्राम में पता चल जाएगा। तो हम RFID कार्ड रीडर की 3.3 वोल्ट पिन को आर्डिनो की 3.3 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर उसकी रीसेट पिन को हम आर्डिनो की 1 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे, फिर RFID कार्ड रीडर की ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम आर्डिनो से RFID कार्ड रीडर की SDA पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 10 से, और SC के पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 13 से, और MOSI पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 11 से, और MISO पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम IR सेंसर लेते हैं और IR सेंसर में हम इन 3 जम्पर वायर्स को कनेक्ट कर देंगे VCC ग्राउंड और आउटपुट पिन में, और फिर हम इनके कनेक्शन भी आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम VCC और ग्राउंड पिन को हम जो ब्रेड बोर्ड में सीरीज बनाई थी हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड की, उस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की A2 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक और IR सेंसर लेते हैं और इसी तरह से हम 3 जम्पर वायर्स को इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं, और इसके जम्पर VCC और ग्राउंड जम्पर वायर को भी हम उसी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ब्रेड बोर्ड में, और इसकी आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की A3 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर बैरियर के लिए हम एक सर्वो मोटर लेते हैं और इस तरह से हम इसमें ये लॉक कनेक्ट कर देते हैं, जो नॉब रहती है इसकी ये अप एंड डाउन करेगी। और फिर इसके बाद हम इसमें 3 जम्पर वायर्स को कनेक्ट करेंगे VCC ग्राउंड के लिए, इस तरह से हम ग्रे वायर को ग्राउंड में और ब्लू वायर को VCC में और ऑरेंज वायर को ऑरेंज आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके कनेक्शन भी हम आर्डिनो से करेंगे, तो VCC और ग्राउंड को हम उसी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जो 5 वोल्ट और ग्राउंड की सीरीज हमने ब्रेडबोर्ड में बनाई थी, और फिर इसके बाद इसकी आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हम इस तरह से बैरियर लगा देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, तो इसके लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हम इसमें अपलोड करना है। पर उससे पहले हम जो हमारे RFID टैग हैं उनके नंबर्स को नोट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल में जाके MF RC 522 में जाके RFID रीड पर्सनल डेटा में जाकर हम इस प्रोग्राम को पहले अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम नंबर 8 लिख देंगे रीसेट पिन को 8, फिर हम पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा।
तो अब हमारा ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम टूल्स में जाएंगे और सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इन टैग्स के नंबर्स को नोट करेंगे। तो अभी हम जैसे ही RFID कार्ड रीडर में इनको टच करेंगे तो यहाँ पे हमें इनके नंबर्स मिल जाएंगे, कार्ड का UID नंबर। जैसे हम दोनों को टच किया तो हमें यहाँ पे दोनों के कार्ड के UID नंबर मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, तभी हमें जब हम गेट पर जाएंगे तो हमें एक्सेस मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम इन दोनों को नंबर्स को पेस्ट करेंगे, ऐसे ही आपको भी प्रोग्राम में पेस्ट करना पड़ेगा जब हम आप अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो हम फर्स्ट कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर इसी तरह से हम दूसरे नंबर को भी कंट्रोल से कॉपी करेंगे और फिर हम उसे हम दूसरी जगह पर यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह से हम नीचे और जाएंगे और फिर हम दो जगह इसी तरह से करेंगे, हम अपने दोनों नंबर को दो जगह पेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सेम आपको भी करना है और फिर उसके बाद ही आपको इस प्रोग्राम को अपलोड करना है। हमने सभी जगह कार्ड के UID नंबर को पेस्ट कर दिया है दोनों जगह। अब इसके बाद टूल्स में जाके पोर्ट और बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम स्केच में जाके प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। तो कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा और फिर हम इसे यूज़ करेंगे, यानी इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अब हम इसे चार्जर के थ्रू पावर सप्लाई देंगे, उसी OTG केबल में चार्जर को कनेक्ट करके। तो हमारे सिस्टम में पावर ऑन हो गई है। अब हम जैसे ही कार को ले जाते हैं, यानी कोई भी पर्सन आर्मी पर्सन जाएगा तब इस पे कार्ड को टच करेगा तभी ये ओपन होगा। अदरवाइज अगर कोई अननोन पर्सन जाता है, यानी जिसका कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा। यानी ये कार्ड आर्मी पर्सन के पास ही रहेगा, आर्मी सोल्जर्स के। जैसे ये अनऑथराइज्ड पर्सन आता है और इसमें कार्ड टच करता है तो ये ओपन नहीं होगा जब तक कि रजिस्टर्ड RFID कार्ड को इस पर टच नहीं किया जाए। जैसे ही हम रजिस्टर्ड RFID कार्ड को ही टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इंडियन आर्मी के एरिया की सिक्योरिटी कर सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।